नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस ये एक ऐसी बीमारी है जो फर्टिलिटी पे भी अपना असर दिखाती है। इस बीमारी को हम SLE कहते हैं, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमाटोसिस। सो ये जो SLE है ये फर्टिलिटी पे प्रभाव दिखा सकता है कई लोगों में। ल्यूपस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जहाँ पे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो ही गलती से आपके खुद के टिश्यूज को अटैक करना शुरू करता है, जिसकी वजह से सूजन यानी इन्फ्लेमेशन हो सकता है या जो बॉडी के विविध प्रकार के ऑर्गन्स और सिस्टम है उनका भी नाश हो सकता है या डैमेज हो सकता है। ल्यूपस फर्टिलिटी पे भी अपना असर दिखा सकता है, आइए देखते हैं कैसे। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकता है। ल्यूपस जो नॉर्मल एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोन रिलीज करने का सिस्टम होता है, उस पर असर दिखा सकता है, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए, अंडे को रिलीज करने के लिए। ये एंडोक्राइन सिस्टम अगर डिसरप्ट हो गया यानी इसमें अगर कोई बाधा आ गई तो प्रेगनेंसी में भी असर पड़ सकता है। इस प्रॉब्लम की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर इरेगुलर हो जाए तो अंडा भी ठीक से रिलीज नहीं होता, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओवेरियन डिसफंक्शन यानी कि जहां अंडे पलते हैं उसे ओवरीज कहते हैं, और कई केसेस में ल्यूपस ओवरीज पे भी डायरेक्टली असर दिखा सकता है, जिससे ये ओवेरियन डिसफंक्शन हो सकता है यानी कि जो ओवरीज जिसमें अंडे होते हैं उसका ही डिसफंक्शन हो सकता है। इसकी वजह से अंडों का नंबर मात्रा कम हो सकती है, ओवेरियन रिजर्व कहते हैं, और जो अच्छे क्वालिटी के एम्ब्रियोस होते हैं उनके कम होने के कारण फर्टिलिटी पोटेंशियल भी मार खा सकता है। अगला है ऑटोइम्यून फैक्टर्स। ल्यूपस एक ऑटोइम्यून डिजीज है जैसे हमने देखा, और इसकी वजह से जब ये इम्यून सिस्टम ही बॉडी को अटैक करता है तो ये भी हो सकता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि ओवरीज पर, यूट्रस पर, बच्चेदानी पर भी इसका अटैक हो सकता है। इस इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से ओवरीज या फैलोपियन ट्यूब्स या बच्चेदानी का जो लाइनिंग होता है उस पर भी असर पड़ सकता है। अंडा अगर फर्टिलाइज भी हो गया यानी कि अंडा और स्पर्म अगर मिल भी गया और एम्ब्रियो बन गया है तो भी इम्प्लांटेशन नहीं होने के चांसेस ल्यूपस पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं। कुछ ऐसे मेडिसिंस होते हैं जो ल्यूपस के लिए दिए जाते हैं, ल्यूपस जब फ्लेयर होने लगते हैं यानी कि उनके सिम्टम्स जब होते हैं तब ऐसे दवाइयां दी जाती है, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स हो गए, जिनका असर फर्टिलिटी पे पड़ सकता है। ये हार्मोनल बैलेंस को डिसरप्ट कर सकते हैं, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी अबनॉर्मल करके प्रेगनेंसी को पीछे कर सकते हैं। ल्यूपस महिलाओं में प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी देखा गया है। जब ये प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो इनके प्रेगनेंसी को हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहा जाता है, क्योंकि इनके मिसकैरेज होने के चांस या प्री टर्म बर्थ, टाइम के पहले ही डिलीवरी हो जाना, प्री एक्लैम्प्सिया ब्लीडिंग होना, ये सब होने के कारण इन्हें हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहा जाता है। इन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से फर्टिलिटी पे भी असर पड़ सकता है और प्रेगनेंसी को फुल टर्म तक यानी कि लाइव बर्थ तक ले जाने के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो आइए देखते हैं ये ल्यूपस पेशेंट्स में होता क्या है। एंटी कॉर्पस लूटियम एंटीबॉडीज तैयार होते हैं इन महिलाओं में। तो जहां से अंडा रिलीज होता है, ओवरी में खूब सारे फॉलिकल्स होते हैं और फॉलिकल्स के अंदर अंडा, जब एक अंडा बड़ा होने लगता है और वो रिलीज हो जाता है उस फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। फॉलिकल तब कॉर्पस ल्यूटियम के रूप में बदल जाता है। इस कॉर्पस ल्यूटियम से एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। इस हार्मोन का रहना बहुत आवश्यक होता है अंडे के रिलीज के बाद, क्योंकि ये यूट्रस के थिकनेस को बढ़ाता है, और जब ये फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो आता है, जब वो आकर गर्भ में पहुंचता है तो उसके चिपकने के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब होता ही है ल्यूपस पेशेंट्स में इम्यून सिस्टम जो है अपने खुद के बॉडी को अटैक करता है, मैंने कहा ना, उसी तरह कॉर्पस ल्यूटियम को भी अटैक कर सकता है, जिसकी वजह से कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं हो पाता, यूट्रस थिक नहीं हो पाता, और जब अंडा फर्टिलाइज भी हो सकता है लेकिन वो फर्टिलाइज होने के बावजूद चिपकता नहीं है और प्रेगनेंसी खो जाती। तो ये होता है प्रॉब्लम इन पेशेंट्स में। यही नहीं, अंडे पे भी अटैक हो सकता है, तो ये जो इम्यून सिस्टम है वो अंडे पर भी अटैक करके उसे भी डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। कई केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट देना, मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, टैबलेट्स के द्वारा ल्यूपस को मैनेज किया जाता है, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स करने के लिए कहा जाता है, और प्रेगनेंसी के लिए फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो IVF करवाने के लिए कहा जाता है, इससे सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो सकता है। लेकिन हर केस यूनिक है, उसका अप्रोच अलग होता है, इंडिविजुअल हेल्थ फैक्टर्स, सिवियरिटी कितना सिवियर है ये देखते हुए ये डिसीजन लिया जाता है कि आपके लिए कौन सा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट रहेगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।